मणिपुर चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। आज 22 सीटों पर कुल 92 उम्मीदवार चुनावी मैदान में मौजूद हैं। कुल 1247 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। दूसरे चरण के इस चुनाव में कई बड़े नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। आज मणिपुर के 3 बार सीएम रह चुके ओ आइबोसिंग और पूर्व डिप्टी सीएम गेखम गंगमई की किस्मत भी जनता तय करेगी। वहीं दोनों ही नेता कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में थौबल चैंडल और उखरुल सेनापति और तिमंगलोंग और जिब्राहिम जिलों में वोटिंग हो रही है और कुल 8.38 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने 22, कांग्रेस ने 18, एनपीपी के 11, नागा पीपल फ्रंट के 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी की तरफ से जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक बार फिर प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने की बात कही जा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता ओकराम ओबेबी सिंह ने अपना मतदान डाला। वे खुद थौबल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुताबिक पोलिंग के दौरान वोटिंग में दिक्कत आ रही है। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि आज मणिपुर में दूसरे चरण की वोटिंग है, सभी सीटों पर मतदान करने के लिए वोटर आगे आएं और लोकतंत्र के इस पर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नेक्स्ट 9 नेशन की रिपोर्ट।